हेलो स्टूडेंट क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी हिंदी रीडर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम इज काना अभ्यारण्य से पत्र। अभ्यारण्य होता है वो जगह जहाँ पर पशु पक्षी जो है वो खुले रूप से घूमते हैं। जहाँ पर चिड़ियाघर होता है वहाँ पर तो वो पिंजरे में बंद रहते हैं, लेकिन अभ्यारण्य होता है जहाँ वो बाग बगीचा वो जंगल का एरिया होता है जहाँ पर जो पशु पक्षी होते हैं वो बिना किसी पिंजरे के घूमते रहते हैं। तो काना एक अभयारण्य है जहाँ पर पशु पक्षी जो हैं वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक पत्र है जो भाई जो है वो अपनी बहन के लिए लिखता है। जो भाई है उनका नाम है मनोहर, जो बहन है उनका नाम है सुलेखा। लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर 25 जवाहर मार्ग मंडला दिनांक 20 मई 2014। प्रिया सुलेखा शुभाशीष। जो भाई है वो अपनी बहन को आशीष यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं, ये उनका एड्रेस है। तो बहन का नाम है सुलेखा। हम आज ही काना अभ्यारण्य देख के लौटे, वहाँ के मनोहरी दृश्य अभी तक मेरी आँखों के सामने घूम रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें ना तो कोई सताता था और ना ही कोई मारता था। काना में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न पशु वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। तो वो जो पत्र में वो लिखते हैं कि हम आज ही काना अभयारण्य देख के लौटे, वहाँ पर जो दृश्य थे बड़े ही मनमोहक थे, बड़े ही सुंदर थे। और वो बताते हैं कि पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वो आश्रम में अपनी कुटिया बना के रहते थे और उनकी कुटिया के चारों तरफ अन्य पशु पक्षी जो थे वो निर्भय हो गए यानी कि बिना किसी डर के घूमा करते थे। तो हमें काना अभयारण्य में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया कि वो जो पशु पक्षी थे बिना किसी डर के इधर से उधर घूम रहे थे। ना तो उन्हें इस बात का डर था कि कोई उन्हें सताएगा, ना इस बात का डर था कि कोई उन्हें मारेगा। वो अपना जीवन सहज रूप से व्यतीत कर रहे थे। अब तुम जानना चाहोगे ये काना आखिर है कहाँ। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से काना केवल 160 किलोमीटर दूर है। जबलपुर से मांडला आते हुए चिराई डोगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में काना पहुँचा जा सकता है। अब ये काना जो नेशनल पार्क है वो बताते हैं कि काना नेशनल पार्क कहाँ है। वो कहते हैं कि जबलपुर से जो है वो 160 किलोमीटर दूर है। तो वो कोई एड्रेस बताते हैं कि वहाँ से पक्की सड़क है, वहाँ से आप 1 घंटे में काना पहुँच जाएंगे। काना की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है, इसलिए इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरे साल हरियाली बनी रहती है। तो वो बताते हैं कि काना वनस्थली का मतलब वो जगह जहाँ पर वन होते हैं। तो यानी कि वो बताते हैं काना में बहुत घने जंगल वन है और उसमें बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं। तो बताते हैं सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलाश के बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पर 12 महीने यानी कि पूरे साल जो है वो हरियाली रहती है। वहाँ यह वन पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। उन्होंने बताया कि ये जो वनस्थली है लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 950 वर्ग किलोमीटर से फैली हुई है। इसके चारों तरफ जो है वो कांटेदार तार बांधे गए हैं जिससे आसानी से लोग यहाँ पर आकर जानवरों का शिकार ना कर सकें। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार के पास एक डाक बंगला है। काना में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। तो इस अभ्यारण्य, इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए पास बनाए जाते हैं जो वन्य विभाग बनाता है, जो वन विभाग है वो बनाते हैं। डाक बंगला होता है जहाँ पर यात्री आकर रुकते हैं। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाला चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है तो कहीं कहीं बारहसिंगा भी दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नीलगाय देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिया। तो उन्होंने बताया कि उस नेशनल पार्क में अभयारण्य में कौन कौन से जानवर उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें हिरण दिखाई दिया, बारहसिंगा, नीलगाय और रीछ दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए, विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंस भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिला। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। तो इन्होंने बताया इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े भैंसे देखे और सांभर देखने को मिला और चीतल भी देखने को मिला जो
पेड़ों के नीचे आराम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। फिर हमने देखा वनराज सिंह, इसे यहाँ खुले रूप से रखा जाता है। हम लोगों ने इसे जीप में बैठ के देखा, उसने एक दाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यानी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने वनराज मतलब शेर भी देखा। उन्होंने बताया जब वो खुला घूम रहा था वो शेर, और ये जो लोग थे जिन्हों घूमने गए थे ये जीप में बैठे हुए थे, और जब उसने दहाड़ मारी तो सारा जंगल जो था वो कांप गया। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने तेजी से निकल गया, गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है, अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देख कर मेरा मन भी नाच उठा। फिर उन्होंने बताया उन्होंने हाथी भी देखा और उसकी सवारी भी की। तो जब वो कह रहे थे जब हम हाथी पे बैठे थे तो उसके सामने से बाघ यानी कि एक चीता भी निकला और बड़ी तेज़ी से निकला, यानी कि चीता बहुत तेज़ी से भागता है। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है, उन्होंने बताया यहाँ पर इतने पक्षी पक्षी हैं कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि हमने मोर को भी नाचते हुए देखा, शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उन दिनों दूर दूर से पक्षियाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा अभयारण्य देखने जरूर आना, बड़ों को मेरा आदर और छोटों को प्यार देना, मैं तुम्हारे बड़े भैया मनोहर। तो इस प्रकार कह के उन्होंने अपना पत्र जो था समाप्त कर दिया। अब इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? ये मिला कि पशु पक्षियों की एक खूबसूरत और आनंददायक दुनिया होती है, इसे हर किसी को जानना चाहिए, हमें यथासंभव प्रकृति में लीन होना चाहिए। तो इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। अन्य एक्सरसाइज जो कि रिक्त स्थान है और ये टिक राइट है या बुक में ही अपने फिल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।